इवन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पहले, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा लार्जर नंबर होगा। तो ये है उसका मेथड, लार्जर नंबर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। हम एक एग्जांपल देखते हैं, 7 डिजिट नंबर जैसे दे रखा है हमको 3972488 6, तो इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब लार्ज टू स्मॉल। तो क्या होगा, सबसे लार्ज नंबर हमारा है 9, फिर सेकंड लार्ज नंबर है 8, उस 8 के बाद आता है 7, 7 से 7 के बाद क्या है 6, 6 होता है उससे छोटा, फिर कौन सा नंबर आएगा 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने मूव हो गए और ये हमारा लार्जर नंबर फॉर्म हो गया। अब हम कॉमा लगा देते हैं, तो हम कॉमा कहाँ पे लगाते हैं, वन के पीरियड के बाद और थाउजेंड के पीरियड के बाद। तो ये हम इसको रीड कैसे करेंगे, 9876432। फिर हम देखते हैं स्मॉलर नंबर कैसे बनता है, स्मॉलर नंबर कैसे बनेगा, कोई भी गिवन डिजिट दे रखी हुई है उसको हम जो नंबर्स होते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू लार्ज मूव होना। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में 7 डिजिट दिए रखे 3972488 6, उसको हमको क्या करना है, असेंडिंग में अरेंज करना है, और हमारा आंसर आएगा वो स्मॉलर नंबर होगा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 2, 2 के बाद सेकंड स्मॉल नंबर क्या आएगा 3, फिर 4, फिर 6, 6 से 6 से बड़ा क्या है 7, 7 के बाद बड़ा कौन सा 8, एंड फिर कौन सा 9। तो अब हम कॉमा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 1 के पीरियड के बाद एंड 1000 के पीरियड के बाद। तो ये क्या बन गया हमारा 23,46,789। तो आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर होता क्या है, तो हमको कोई भी नंबर दे रखा हो उसका मल्टीपल सेट करके हमको उसके आसपास का कोई भी कन्वीनियंट नंबर लिखना और रूल्स के हिसाब से लिखना, उसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर। तो राउंडिंग ऑफ नंबर इज टू एक्सप्रेस ए नंबर एज ए नियरेस्ट कन्वीनियंट नंबर इज नोन एज राउंडिंग ऑफ नंबर। तो इसके रूल्स है, अगर टेंथ के प्लेस पे हमको चेंजेस करने हो, टेंथ के प्लेस के आसपास पे नंबर राउंड ऑफ करना हो, तो हम चेंजेस उसके राइट हैंड डिजिट पे लाते हैं। अगर 100 के प्लेस पे चेंजेस करना हो, तो हम उसके 100 के प्लेस पे जो डिजिट होता है उसके राइट हैंड प्लेस पे जो डिजिट लोकेटेड होता है उसमें चेंजेस लाते हैं। तो हम इसी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि राउंड ऑफ में नंबर चेंज कैसे होते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं 10th के हिसाब से। तो हमारा फर्स्ट है 154 है, इसको हम देख लेते हैं कि 4 कहां पे प्लेस है, 4 1th के प्लेस पे प्लेस है और 5 10th के प्लेस पे है, मतलब हमको ये जो 5 है वो 10th के प्लेस में है। तो हम इसके राइट हैंड डिजिट देखेंगे, राइट हैंड डिजिट मतलब हमारी 4 हो जाएगी, और 4 मतलब अगर हमें कोई भी नंबर 0 टू 4 के बीच में दे रखा हो तो हम उसका राउंड डाउन लेंगे, और अगर अप दिया हो 4 से ज्यादा मतलब 5 और 5 से 9 के बीच में दे रखा हो तो हम उसका राउंड अप लेंगे। तो इसके 10 के मल्टीपल की दो पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट है 160 और सेकंड है 150, बट हमारा जो राइट हैंड डिजिट है 4 वो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन कंसीडर करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। और सेकंड डिजिट है हमारे, सेकंड एग्जांपल है वो 100 के प्लेस पे सॉल्व करेंगे, तो 8 जो है वो 1 की प्लेस पे, 7 जो है वो 10 की प्लेस पे, 6 जो है वो 100 की प्लेस पे, और ये 1000 की प्लेस पे है। तो हमको चेंजेस 100 में करने हैं, तो 100 की वैल्यू क्या है 6, और उसके ठीक राइट हैंड पे क्या है 7। तो इसके 100 के मल्टीपल की दो पॉसिबिलिटी है, एक है 4700 और एक है
करेंगे, मतलब हमारा आंसर हो गया 4700। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे थाउजेंड्स की प्लेस देके करते हैं, तो थाउजेंड्स की प्लेस देख के यहाँ पे राइट नंबर देखेंगे तो सिक्स आएगा, थाउजेंड के हिसाब से मल्टीपल सेट करेंगे, और अगर नंबर फाइव से ग्रेटर हो राइट नंबर तो हम उसको राउंड अप करते हैं, छोटा हो तो राउंड डाउन करते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर सब पहले पढ़ चुके हो तो हम ये रिविजन कर लेते हैं इस टेबल का। तो वन को हमें हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव को बी से करते हैं, टेन को एक्स से करते हैं, फिफ्टी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हंड्रेड को सी से करते हैं, फाइव हंड्रेड को डी से करते हैं, एंड थाउजेंड को एम से करते हैं। तो उसी में हम देख लेते हैं कि हिंदू अरेबिक को हमको रोमन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। अगर इसको रोमन में कन्वर्ट करना हो तो पहले इस नंबर को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स का एडिशन लेंगे जिससे हमारा 89 फॉर्म हो रहा हो, मतलब 50 प्लस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा। 50 मतलब हम बी एल लिख सकते हैं, 30 मतलब हम ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया 80। अभी और एक टाइम बच रहा है, 80 प्लस 9 90 होगा, तो हम यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे। तो हम इस 50 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एल लिख सकते हैं, फिर 30 को अभी भी स्प्लिट करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 को तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिपल एक्स। फिर 9 को हम कैसे लिखते हैं, आई एक्स। तो ये हो गया हमारा रोमन नंबर। फिर हम देखते हैं रोमन इंटू नंबर कैसे होते हैं ना, तो क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन दे रखा है एक्स सी आई एन, तो हम इस दोनों को और इन दोनों को साथ में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स सी प्लस आई एक्स। तो जो आई एक्स है वो तो 9 है, और एक्स सी में क्या होगा, सी जो है वो 100 है, एंड उसके आगे एक्स लगा है, मतलब इसमें से माइनस होगा 10, तो बच गया 90। तो 90 प्लस 9 माइनस सी क्या